नमस्कार, फिर से एक बार फिर से मचे दोस्तों का स्वागत है भैया। मुकाबला बहुत ही ज्यादा टफ होगा इस साल के अंदर। एक तरफ है राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी, तो दूसरी तरफ है भैया हमारे इटली कुमार की जवान, यानी कि दोनों ही एसआरके की मूवीज है। और ये जो कॉम्पिटिशन है वो हमें भैया देखने लायक लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको यकीन मानिए बताना चलूँ कि पठान जो है वो बच्चा था। जी हाँ दोस्तों, पठान का जो यहाँ पे भैया क्रेज था, लेकिन पठान देखो एक बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। लेकिन अब जो है वो एक ट्रैक के ऊपर पठान के साथ जो जवान चली है ना, इसको लेके काफी ज्यादा रूमर्स है, काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे ये तक बताया जा रहा है कि भैया बड़े बड़े जो है वो डायरेक्टर्स हायर किए गए हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस का डायरेक्टर एक्शन सीक्वेंस को यहाँ पे शूट करने के लिए उठाया गया। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर किस तरीके के हमें एक्शन देखने को मिलते हैं। और जवान जो है वो बॉलीवुड के अंदर एक नया इतिहास रखने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि भैया एसआरके के करियर की सबसे ज्यादा यहाँ पे भैया फेवरेट फिल्म होने वाली है जवान। और जवान को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो रूमर्स हैं उसको सुन के दिमाग काम नहीं करता कि भैया इस तरीके से इस मूवी के अंदर जो है वो चीजें आने वाली है। उसी के साथ साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स भी यहाँ पे इसके अंदर आपको जो है इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे होंगे। रामचरण के बारे में बताया जा रहा है कि भैया कैमियो यहाँ पे भैया रामचरण का होने वाला है। और तेलुगु इंडस्ट्री से अगर यहाँ पे रामचरण एंट्री मारते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे भैया जो है वो धमाका हो सकता है। और ऐसे में यहाँ पे जवान जो है वो जो कमाल करके दिखा सकती है उसको बीट आउट करना, मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड के करियर में कोई ऐसी मूवी नहीं होगी जो कि जवान का मुकाबला कर सके। बुरे दिन काफी ज्यादा बॉलीवुड के जो है वो थे, उस टाइम सिर्फ एक ही बंदा था, वो था एसआरके। उसी के साथ यहाँ पे जब जो है वो पठान आई तो उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। दीपिका के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और यहाँ पे जो सॉन्ग आया था बेशर्म रंग उसको लेकर भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। लेकिन पठान ने जो कारनामा करके दिखाया है उसको देख के जवान का क्रेज यहाँ पे डबल हो चुका है। और इटली कुमार की डायरेक्शन के अंदर जो चीजें आने वाली है वो भैया फाड़ के रख देगी, यकीन मानिए फाड़ के रख देगी। उसी के साथ विजय सेतुपति, अनबिलीवेबल भैया, ये बंदा जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो विलेन का कैरेक्टर निभाने वाला है। और ऐसे में विजय सेतुपति और एसआरके की जो टक्कर होगी वो होगी देखने लायक। बाकी भैया आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मुझे काफी ज्यादा वेट है जवान का, क्योंकि इस मूवी को मुझे अच्छे तरीके से कवर करना है। अगर आप जवान के हर एक अपडेट को जानना चाहते हैं राहुल रिकैप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और इसी तरीके से हर एक बॉलीवुड मूवी के ऊपर बातचीत चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्टेंट के साथ अपना ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्णा।